हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी दादी के घर पर हूँ और मेरी दादी मेरे लिए एक सरप्राइज डिश बना रही है। ये बहुत ही डिलीशियस डिश है, तो चलो दादी से उनकी ये स्पेशल डिश के बारे में पता करते हैं। कटहल की बिरयानी। दो कटोरी तावा चावल हमने 20 मिनट के लिए भिगा दिया। उसके बाद हमने कटहल काटा। कटहल में हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा और अदरक का पेस्ट डाला। उसमें थोड़ा इलायची पाउडर और दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, नमक, मिर्ची स्वाद अनुसार डाल दिया। उसके बाद मैरिनेट करने के लिए रख दिया 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने चावल बॉईल करे। बॉईल करने के बाद हमने चावल हाफ बॉईल करे। चावल के पानी में थोड़ा तेल, 2 चम्मच तेल, बड़ी इलायची और दालचीनी, छोटी इलायची डाल के वो बॉयल कर दिया। उसके बाद हमने हाफ बॉयल होने के बाद हमने उसको छान के रख दिया। इधर हमने कटहल का 2 प्याज फ्राई किए, उसको हमने भून के एक प्लेट में निकाल दिया और थोड़ा प्याज उसमें रहने दिया। फिर उसमें हमने कटहल डाला। कटहल में हमने मसाले डाले, इलायची, लहसुन पेस्ट और अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाले मिला के उसमें फ्राई करा। फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा दही डाली ताकि वो जले नहीं और खाने में भी टेस्ट अच्छा आए। इसके बाद जब कटहल को हमने भून दिया, उसके बाद हमारे चावल डाले। चावल के ऊपर हमने फिर कटहल डाला, कटहल की सब्जी डाली, फिर चावल डाला। इसी तरह उसमें हमने हरी मिर्ची, पुदीना के पत्ते बीच बीच में डालते गए और उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया ऊपर से। उसे ढक्कन बंद करके रख दिया। उसके बाद उसमें थोड़ी 15-20 मिनट के बाद आप तब देख सकते हैं कैसे बनी है कटहल की बिरयानी तैयार। Thank you.
वाओ, दादी क्या डिलीशियस जैकफ्रूट बिरयानी बनाई है आपने आज, यम्मी। स्टे ट्यून्ड फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।